दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया। महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ के छोटे बेटे राजेश रोशन, जो खुद एक जबरदस्त संगीतकार बनके उभरे। राजेश रोशन का जन्म हुआ 24 मई सन 1955 में। इनके बड़े भाई राकेश रोशन बड़े जबरदस्त एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और इनका भतीजा हृतिक रोशन बना एक जबरदस्त सुपरस्टार। राजेश रोशन की जिंदगी बड़े उतारों और चढ़ावों से भरी रही। जहाँ एक तरफ बचपन में इन्होंने वो माहौल देखा जब इनके पिता धुने बनाया करते थे और साहिल लुधियानवी जैसे जबरदस्त गीतकार इनके घर में ही बैठ के गाने लिखा करते थे और अक्सर इनसे पूछा भी जाता था कि राजू बताओ ये गाना कैसा लगा। इनकी माँ इरा रोशन भी गाने गाया करती थी। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक यही बात न भूली झूली, आई लव यू। अभी ये बहुत छोटे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके पिता रोशन दरअसल दिल की बीमारी से ग्रस्त थे और एक पार्टी में उनका निधन हो गया। मुसीबत बड़ी थी। बड़े भाई राकेश रोशन ने फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया और राजेश रोशन ने भी बतौर म्यूजिशियन तैयारी कर दी। इनके बड़े अच्छे पारिवारिक मित्र और महान गीतकार आनंद बख्शी से इनकी मां ने कहा कि राजू के लिए कुछ किया जाए और तब बख्शी साहब ने पूछा कि राजेश बताओ किस संगीतकार के साथ काम करना चाहते हो। ये वो वक्त था जब आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी इनका खूब नाम था और तब राजेश रोशन साहब ने कहा कि बख्शी अंकल हो सके तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ मेरा काम बनवा दीजिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बतौर म्यूजिशियन इन्होंने कई बरसों तक काम किया। इस बीच इन्हें एक फिल्म मिली, वो फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। ये फिल्म रही जूली। हो ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। राजेश रोशन ने अपनी पहली फिल्म से ही साबित कर दिया कि कितने जबरदस्त संगीतकार हैं। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए और ये एक म्यूजिकल हिट बनके सामने आई। लेकिन उसके बाद भी इनका संघर्ष जारी रहा और एक मर्तबा उस जमाने के बड़े जबरदस्त एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महमूद साहब ने राजेश रोशन को अपने घर पे बुलाया और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए कोई धुन सुनाओ। राजेश रोशन ने ऐसी धुन सुनाई कि महमूद साहब फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि राजू तुम ही इस फिल्म के संगीतकार हो। वो फिल्म रही कुमारा बाप। इस फिल्म के बाद राजेश रोशन ने कभी पलट के नहीं देखा। फिर तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए ये काम करने लगे, चाहे वो यश चोपड़ा रहे कि देवानंद, अमिताभ बच्चन की दो और दो पांच, मिस्टर नटवर लाल और या राणा को कौन भूल सकता है। ये बात भी गौर करने लायक है कि राजेश रोशन पहले ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बतौर गायक प्रस्तुत किया। हालांकि इसका बहुत बड़ा श्रेय गीतकार आनंद बख्शी को जाता है। फिल्म थी मिस्टर नटवर लाल और गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बड़े से बड़े गायक राजेश रोशन के साथ काम करने को तैयार थे, चाहे वो किशोर कुमार रहे कि लता जी या फिर आशा भोसले जी। 1987 में किशोर कुमार के निधन के बाद राजेश रोशन बड़े उदास हुए। ऐसा लगा कि इनके करियर में ब्रेक आ गया है, पर फिर भी ये उभर आए और नए गायकों के साथ काम किया, नए सुपरस्टार्स के लिए जबरदस्त संगीत दिया। चाहे वो सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर करण अर्जुन रही या फिर कोयला, अपने बड़े भाई राकेश रोशन की फिल्मों के लिए इन्होंने जबरदस्त संगीत दिया। हम कामचोर की बात करें या फिर आपके दीवाने हैं के लिए या फिर ऋतिक रोशन स्टारर कहो ना प्यार है।
मेरे दोस्त तो मुझे आज कल न तो चैन है न करार है, मेरा सिर्फ इतना कसूर। 70 का दशक रहा कि 2000 का, राजेश रोशन ने हर दशक में हर दौर में जबरदस्त संगीत दिया। जूली रही कि देश परदेश, खट्टा मीठा, स्वामी, स्वयंवर, जुर्म, खून भरी मांग और ये फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। राजेश रोशन का ये मानना है कि वो गाना जिसका संगीत जयदेव साहब ने दिया, बोल लिखे साहिर साहब ने और फिल्माया गया देवानंद साहब पर, वो इनकी जिंदगी की फिलॉसफी है। वो गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उसमें एक लाइन है जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और उसी लाइन के साथ राजेश रोशन आगे बढ़ते रहे हैं। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजेश रोशन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।